हेलो एंड वेलकम वेलकम टू चैनल गाइस, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ एमसीक्यू सीरीज एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 40 क्वेश्चंस इन दिस सीरीज एंड टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सोशल वर्क प्रैक्टिस विद एडोलेसेंट्स शुड मैक्सिमली फोकस ऑन रिक्रिएशन एंड हेल्थ, रिक्रिएशन एंड सेल्फ ग्रोथ एंड नन ऑफ दीज। तो सोशल वर्क जो प्रैक्टिस है उसका मेन जो मैक्सिमली फोकस किस पे होना चाहिए, अगर हम एडोलेसेंट की बात करें तो उसका मेन फोकस होना चाहिए। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए। इसका राइट ऑप्शन है क्रिएशन एंड दी सेल्फ ग्रोथ, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। मैच द पेयर्स इन दिस क्वेश्चन, देयर इज द एक्ट एंड अलोंग विद द ईयर्स, सो वी हैव टू मैच द फॉलोइंग विद द एक्ट एंड द ईयर। सो फर्स्ट इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड द सेकंड इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एंड फोर्थ इज द मिनिमम वेज एक्ट। सो एज वी नो दैट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विच इज स्टार्ट इन 1947, सो इसमें आपका फर्स्ट का मैच करेगा थर्ड से 1947। और ऑप्शन में अगर देखेंगे आप तो केवल एक ही ऑप्शन में थर्ड में होगा, फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच है, तो इसका पहला ऑप्शन जो फर्स्ट है सही हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा देख सकते हैं मैनेटरी बेनिफिट लैप्स 1961 में, और द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट विच इज़ कम इन 1970 एंड द मिनिमम वेज एक्ट विच इज़ कम इन 1948। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये इंडस्ट्रियल जो भी एक्ट हैं, जितने भी एक्ट हैं, पुराने एक्ट हैं, उनके ईयर्स पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। सोशल वर्क प्रमोट डेवलपमेंट टू, और जो सोशल वर्क होता है वो विकास को प्रमोट करता है किस प्रकार से, रियलाइज ऑफ पोटेंशियल्स, प्रमोट सोशल जस्टिस, इंक्रीज दी सर्वधर्म संभव, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसका आंसर सोच लीजिए, आई होप आपने सोच लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन इज डी ऑल द अबव। सोशल वर्क प्रमोट करता है सर्वधर्म संभाव को भी, सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करता है, साथ साथ रियलाइज ऑफ पोटेंशियल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। सोशल वर्क प्राइमरी एम, सोशल वर्क का जो मेन फोकस होता है किस पर होता है, इकोनॉमिक बेटरमेंट पे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर, इफेक्टिव सोशल फंक्शनिंग पे, या फिजिकल वेलबींग्स पे। इसका राइट आंसर इज सी, इफेक्टिव सोशल फंक्शनिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। वैल्यू ऑफ द सोशल वर्क, सोशल वर्क की वैल्यू क्या है बताना है, डेमोक्रेटिक, ह्यूमैनिटेरियंस, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियंस एंड ऑप्शन डी इज सेक्टेरियंस। तो ऑप्शन डी इज तो रॉन्ग है, सेक्टेरियन नहीं हो सकता, सो इसका राइट ऑप्शन है सी, डेमोक्रेटिक एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। सोशल वर्क इन इंडिया इज प्राइमरली, हमारे इंडिया में अगर सोशल वर्क की बात करें तो उसका मेन फोकस किस पर, किस प्रकार का सोशल वर्क है, एक सोशल टेक्निक एज ए सोशल इंजीनियरिंग और अ सोशल प्रोफेशन, या नन ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ सोशल प्रोफेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। इन विच ईयर द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश टू प्रमोट वॉलंटियरिज्म इन द सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करने के लिए सोशल वेलफेयर बोर्ड कब बनाया गया था देश में, इन विच ईयर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सोशल वेलफेयर बोर्ड का पहला चेयरमैन कौन था। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दुर्गाबाई देशमुख। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। इन दिस क्वेश्चन दे आस्क द इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ सोशल केस वर्क, सोशल केस वर्क का इनमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है, क्या क्या है ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज टू बी रिस्पेक्टेड, सभी ह्यूमन बीइंग्स का रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एवरी ह्यूमन बीइंग्स कैन चेंज, बदलाव किया जा सकता है इंसानों में, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ राइट टू बी हर्ड एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड।
तो इसमें से चार ऑप्शन उसे बताना है कौन सा सोशल केस वर्क का एग्जम्पशन चाहिए। सो इसका राइट ऑप्शन जो है डी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ये एग्जम्पशन नहीं है सोशल वर्क का। और इसके अलावा तीनों ऑप्शन सोशल वर्क केस के एग्जम्पशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल वर्क नॉलेज इज, किस प्रकार का सोशल जो नॉलेज होता है सोशल वर्क का, ये कंपोजिट नॉलेज है या डिस्टिंक्टिव नॉलेज है, या कंपोजिट एज वेल एज डिस्टिंक्टिव दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। सो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन इज सी, कंपोजिट एज वेल एज डिस्टिंक्टिव। अनदर क्वेश्चन नंबर 51, द स्कॉट्स चैरिटेबल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन विच ईयर्स, किस साल में स्कॉट्स चैरिटेबल सोसाइटी का फाउंड किया गया था। सो राइट ऑप्शन इज 1657, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, जुविनाइल जस्टिस एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड, किस साल में जुविनाइल जस्टिस एक्ट जो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन के लिए है, किस साल में इनेक्ट हुआ था। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1986। ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुविनाइल जस्टिस एक्ट, और उसके अलावा मैंने पहले जो डिस्कस किया थे कुछ यहाँ पर, ये जो जितने भी एक्ट हैं एक्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप की जो थ्योरी थी किसके द्वारा दी गई थी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन से कोई बता सकता है, राइट ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 54, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाज लॉन्च बाई, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे। ये द राइट ऑप्शन इज रामानर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। राइट ऑप्शन इज सी महात्मा गांधी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क एस्टैब्लिश इन इंडिया वाज नेम्ड, जो पहला सोशल वर्क स्कूल खोला गया था एस्टैब्लिश किया गया था उसका नाम क्या था। TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क, या सर दुराबजी टाटा ग्रेज स्कूल ऑफ द सोशल वर्क। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सर दुराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। सो ये क्वेश्चन 40 से लेके 55 तक डिस्कस किए इसमें। सो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।